अनंत खम सर्वव्यापी आकाश स्वरूप ब्रह्म है, वही स्वयं को दो रूपों में अभिव्यक्त किए हुए है, एक जगत रूप है, दूसरा जीव रूप है। जीव रूप में वह विभिन्न प्रकार के क्रियाओं में क्रीड़ा कर रहा है और जगत रूप में विभिन्न प्रकार के साधनों, वही साधक है, वही साधन है, और दूसरे शब्दों में वही साध्य भी है। जो आप समझे, वही साधक है, वही साधन है, और दूसरे रूप में वही साध्य भी है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने इसका बहुत सुंदर विवेचन किया है, इन विषयों का बहुत सुंदर विवेचन किया है। जैसे भगवान व्यास देव की रचनाओं में महाभारत और यानी ब्रह्म सूत्र है, ऐसे आप समझ लें, महाभारत और ब्रह्म सूत्र एक तो चरित्र से संबंधित है, दूसरा सिद्धांत से, ऐसे गोस्वामी जी की रचनाओं में रामचरितमानस और विनय पत्रिका है। ब्रह्म सूत्र की तरह विनय पत्रिका उनके सिद्धांत का एक ग्रंथ है, अमूल्य ग्रंथ है, लेकिन वो ग्रंथ है प्रार्थना, दास्य भक्ति से युक्त, इसलिए उसका नाम विनय पत्रिका है, समस्त सिद्धांतों का सार है। तो उसमें उन्होंने बड़े बड़ी कुशलता के साथ इस रहस्य को उद्घाटित किया है कि साधक और साधन ये दोनों रूपों में वही साध्य की ही क्रीड़ा हो रही है। परमात्मा ही जगत है, परमात्मा ही जीव है, जगत और जीव के रूप में परमात्मा ही विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहा है। और रामचरितमानस में भी इसी सिद्धांत को उन्होंने अभिव्यक्त किया है, इसी सिद्धांत को, यहां तक कि जगत रूप में भगवान राम को देखिए, तुलसीदास जी लिखते हैं, विश्वरूप रघुवंश मणि करऊ बचन विश्वास, कहते मेरे बचनों पर विश्वास करो, ये विश्व जो है ये रघुवंश मणि का स्वरूप है। अग जग रूप भूप सीतावर, अग और जग, अग माने जग माने गतिशील, अग माने गतिहीन, जो गतिशील है जो गतिहीन है, दोनों चल और अचल, ये दोनों सीतापति का स्वरूप है। और इसी को दोहे में उन्होंने कहा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, वो कहते हैं जड़ और चेतन दोनों राम है, राम के सिवा और कुछ नहीं। जैसे मैं समझा रहा था ना कि व्यष्टि और समष्टि ये दोनों उस यानी अध्यात्म और अद्भुत दोनों अधिदैव की अभिव्यक्तियां हैं, इसी बात को तुलसीदास जी कर रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, सबके पद बंदन करूं सदा जोरी जुग पाणी। निमग्न है अपने प्रभु के यथार्थ लीला के दर्शन, हर एक अवस्था में हर एक स्थिति में प्रभु की क्रीड़ा को देख रहे हैं, इसीलिए उनके हृदय में किसी भी क्रीड़ा के पात्र के प्रति किंचित मात्र भी न तो घृणा है और न तो उपेक्षा है, बड़े आदर के साथ सभी पात्रों को प्रभु की लीला के पात्र समझ करके प्रभु के ही स्वरूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। सी राम में सब जग जानी, सारे जगत को उन्होंने सीता और राम में देखा, क्योंकि प्रकृति और पुरुष, जिसे कल मैंने बताया था कि प्रकृति पुरुषमय जगत है, प्रकृति सीता है, पुरुष राम है। सी राम में सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पाणी, इसलिए सबको नमस्कार करते हैं। वो कहते हैं मेरे राम के सिवा सीता के सिवा और कुछ है ही नहीं दुनिया में, ये उनकी दृष्टि है जगत के प्रति। और जीव के प्रति वो कहते हैं जीव जगदीश से भिन्न कैसे हो सकता है, उससे अलग उसका अस्तित्व कैसे हो सकता है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम का, राम तो जीव के जीव है,
जीव किससे? एक आराम से। जो जीव का जीव है वो उससे भिन्न कैसे हो सकता है? उन्होंने अपने सिद्धांत को व्यक्त करते हुए कहा, जिमि घट कोटि एक बिछाई का, ये तो यह न अधिक रघुबीर बढ़ाई का, ये रघुनाथ जी की महिमा नहीं है, ये तो स्वभावतः है। जिमि घट कोटि एक बिछाई, करोड़ों घरों में यदि पानी भर दिया जाए तो एक ही सूर्य करोड़ों घरों में दिखाई देगा, तो करोड़ सूर्य नहीं हो जाएंगे? जैसे करोड़ घरों में रहने से, करोड़ प्रतिबिंब पड़ने से करोड़ सूर्य नहीं हो जाता, सूर्य एक ही रहता है। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं, अनंत मस्तिष्कों से अभिव्यक्त होने वाली चेतना वह परम चैतन्य एक है। ये अनंत घरों में दिखाई देने वाला जो प्रतिबिंब है वही जीव कहा जाता है, और जो बिंबी है वो ईश्वर कहा जाता है, राम कहा जाता है। ये तुलसीदास जी का सिद्धांत है, और ये अनुभूत सिद्धांत है। इसके लिए तर्क की जरूरत नहीं, अनुभव की जरूरत है। इसके लिए तर्क की, रीजनिंग की, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो अनुभव करने की जरूरत है। इस रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है, और देखने और जानने की जरूरत है। ये तुलसीदास जी का कथन है। सारी रामायण का सार उन्होंने इसी बेस के ऊपर रामकथा के माध्यम से समझाया है, और उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने इस सत्य का अनुभव नहीं किया का उनको कुतर्क करने की जरूरत नहीं है, उनको आदर पूर्वक सुनना चाहिए। जिन्होंने इसका अनुभव नहीं किया उन्होंने कहा उनका कुतर्क करना व्यर्थ है, जो कुतर्क का विषय नहीं है। कहा यदि कुतर्क करे तो उन्होंने कहा कि यही ते उपाय करी हैं जे शंका, मोहिते अधिकत जड़ मतिरंका का, इतने पर भी यदि कोई शंका करे तो मेरे से भी अधिक ना समझे और मैं क्या कर सकता। ये उनका कथन था, क्योंकि विनम्रता की वो प्रतिमूर्ति थे, इसलिए सबसे कहते थे सबसे कम समझ दुनिया में किसके पास है, कहते थे मेरे पास। ये उनकी मान्यता थी कि दुनिया में सबसे कम समझ वाला कौन व्यक्ति है। वो जानते थे ना, सर्वत्र तो उनके राम विराजमान है, कहा तो उनके रूप में राम नहीं है, कहा हैं लेकिन वहां पर तो राम अहम के माध्यम से झांक रहे हैं, इसलिए वहां सबसे छोटी छोटी यानी ज्योति है, ऐसे आप समझ लो। तो अपने उस माध्यम को सबसे छोटा वो मानते हैं जिस माध्यम से उस चेतन का प्रकाशन व्यक्त हो रहा है। वो स्वीकार करते हैं कि ये तो जो मैं बोल रहा हूं ये मैं नहीं, मेरे पीछे मेरे राम ही बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का माध्यम बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है, इसलिए माध्यम का दोष है, इसमें मेरे राम का दोष नहीं है, ऐसा उनका कथन है। और रामायणी कथा में सर्वत्र उन्होंने अपने प्रभु की महिमा को, अपने प्रभु की सत्ता और महत्ता, ये दो चीजें उन्होंने बताई, सत्ता और महत्ता। एक बात और आप लोगों को बताऊं, सत्ता का अवबोधन महत्ता से होता है, यदि महत्ता न हो तो सत्ता का अवबोधन नहीं हो सकता। सत्ता और महत्ता में क्या अंतर है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी और प्रकाश, बिना प्रकाश के आपको विद्युत का बोध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। प्रकाश क्या है? महत्ता है, और प्रकाश का जो सोर्स है, प्रकाशक जो है, वो सत्ता है। ये सत्ता और महत्ता का भेद है। तो तुलसीदास जी ये मानते हैं कि ये सारा विश्व जो है ये सब महत्ता है, ये सत्ता नहीं, ये सत्ता की महत्ता है। एक बार हम लोग जब अध्ययन करते थे तो रामलीला देखने का बड़ा शौक था, तो जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे, गुरु जी देख रहे थे दूर से, तुम देखा कि आज ये इनका शायद मन नहीं लग रहा, क्या बात है? तो उन्होंने ऐसे पूछा एक से, बबुआ क्या बात है, आज बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाई हो रही है। तो हमारे एक साथी ने कहा, गुरु जी रामलीला देखने जाना, इसलिए तो पाठ जल्दी जल्दी याद कर रहे हैं। उनका रामलीला देखने जाना, कहाँ देखना रामलीला,
रामलीला देखने कहाँ जाना? तो कहने लगे कि आजकल रामलीला हो रही ना, दशहरा के दिन है, तो बताया अमुक जगह हो रही, वहाँ जाना है। अरे कहा भले आदमी, रातों दिन तुम रामलीला यानी ये रामायण पढ़ते हो और ये सोचते हो कि रामलीला वहाँ हो रही वहाँ देखने जाओगे, ये सारी दुनिया में जो रही ये किसकी लीला है? ये जो कुछ तुम देख रहे हो ये क्या है, ये किसकी लीला है? ये हमारी लीला है या तुम्हारी लीला है, किसकी लीला है? ये तो सारी राम की लीला है। रामलीला के तुम ये क्यों समझते हो कि जहाँ रावण और राम के यानी पुतले खड़े होकर के इधर से उधर प्ले कर रहे हैं वही रामलीला है? सृष्टि में जो कुछ हो रहा है ये क्या है? रामलीला हो रही, सब कुछ रामलीला है सही माने में। तब बात समझ में नहीं आती थी, तब लगता था कि ये अतिवाद, अर्थवाद जिसको हम मानते हैं, ये अर्थवादी दृष्टिकोण है। लेकिन अब समझते हैं कि नहीं, यही बात, जो कुछ लीला हो रही किसकी है? राम की लीला। और किसकी? राम कीन चाहई सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम करना चाहते हैं वही होता है, उसको अन्यथा कर दे किसमें ऐसी शक्ति है? अपन देखते नहीं रातों दिन, बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं अपन चाहते हैं वो नहीं होती, और बहुत ऐसी क्रियाएं हैं जो अपन नहीं चाहते हो जाती हैं, जो बिना चाहे हमारे हो रही हैं और जो चाहने पर भी नहीं हो रही हैं। ये दोनों स्थितियां किसकी दी हुई हैं? यदि अपनी मन की होती, अपनी लीला होती, तो जो चाहते वो कर लेते, लेकिन नहीं, चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। हाँ, कभी कभी चाही हुई बात भी हो जाती है। कब हो जाती है? कहा जो उसकी चाह से समर्थित होती है हमारी चाह भी पूरी हो जाती है, और जो ईश्वर इच्छा से विपरीत इच्छा है वो कभी पूरी नहीं होती। इसलिए जो कुछ हो रही लीला ये प्रभु की ही लीला है, प्रभु की लीला के सिवा और कुछ नहीं है। हाँ, इसमें तुलसीदास जी ने दो बातें बताई है कि प्रभु की लीला के दो रूप है, एक निर्गुण लीला है, दूसरी सगुण लीला है। लीला सगुण जो कहूं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। तो उन्होंने कहा कि लीला के दो रूप है, एक सगुण रूप है, दूसरा निर्गुण रूप है। का सगुण रूप और निर्गुण रूप में कितना अंतर है? का ये जो अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि चल रही है और जो कुछ हो रहा है सृष्टि में, ये निर्गुण की लीला है। इसके पीछे जो लीलाधर बैठा हुआ है उसको अपन नहीं देख रहे। देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे। ये निर्गुण राम है, सब में रमण करने वाला राम है। जो राम सब में रमण कर रहा है उसकी लीला को कौन देखेगा, कौन जानेगा? लेकिन हाँ, समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तुलसीदास जी ने कहा निर्गुण रूप सुलभ अति, बड़ा सुलभ है, समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, ये लीला उसकी हो रही है, ये निर्गुण की लीला हो रही है। लेकिन जब वही निर्गुण निराकार निरीह निरंजन ब्रह्म करुणावशात जीव समुदाय पर दया करके सगुण साकार श्री विग्रह में अवतरित हो जाता है, राम कृष्ण आदि रूपों में प्रकट हो करके, उस समय जो लीला करने लगता है वो सगुण लीला है, वो निर्गुण की लीला नहीं, वो सगुण की लीला है। का निर्गुण की लीला में और सगुण की लीला में भेद क्या है? तुलसीदास जी ने कहा लीला सगुण जो कहो बखानी, सोई स्वच्छता करे मलानी। का अंतर ये होता है कि जो निर्गुण की लीला है उसमें दोनों प्रकार के अभिव्यक्तियां होती हैं। कौन कौन? तो तुलसीदास जी ने एक लंबी लिस्ट गिनाई, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु साधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचे और नीचु, अमिय सुजीवन माहुर मीचु, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य लक्ष्य रंके अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारो महि देव गवासा, स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार। ये उसकी निर्गुण की लीला है। इसमें सर्वत्र आपको दो पहलू दिखाई देंगे,
सर्वत्र दो पहलू दिखाई देंगे, आप उसमें एक पहलू नहीं देख सकते। यानी ये गुण अवगुण साना, तुलसीदास जी ने कहा निर्गुण की जो लीला है ये विधि प्रपंच गुण अवगुण शान, ये इसमें गुण और अवगुण दोनों सने हुए। सानना तो जानते हैं ना, जैसे मिट्टी सानी जाती है, आटा साना जाता है, ऐसे समझ लो। तो गुण और अवगुण दोनों सने हुए होते हैं। निर्गुण की लीला में गुण और दोष सना हुआ है, इसको अलग अलग करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सगुण की लीला में केवल गुण गुण होता, वहां दोष नहीं होता, इतना अंतर है। सगुण लीला में दोष नहीं है समस्त, इसीलिए भगवान रामानुजाचार्य ने कहा कि समस्त सद्गुणों का जो समष्टि पुंज है वही हमारा भगवान है। कहा ब्रह्म और भगवान में क्या अंतर है, कहा जो सत असत दोनों से युक्त है, जिसमें समस्त विरोधी गुण समाश्रय लेते हैं, वो तो ब्रह्म है। लेकिन जो समस्त सद्गुणों का पुंज है, जिसमें दुर्गुण नाम की कोई कल्पना नहीं है, जो समस्त सद्गुणों का आकर है, जिसमें दोष नाम की कोई कल्पना नहीं है, वो हमारा भगवान है। तो जो भगवान की जो सगुण लीला है, सगुण लीला में दोष के लिए स्थान नहीं है, बिल्कुल निर्मल है, निर्दोष है, उसमें शुद्ध सतोगुण वर्तता है। निर्गुण लीला में तीनों गुण वर्तते हैं, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण है, क्योंकि वो तो तीनों गुणों का संचालक है, उसके प्रकाश में तो तीनों गुण चलते हैं निर्गुण की लीला में। लेकिन जब सगुण की लीला होती है तो उसके प्रकाश में तीनों गुण नहीं, उसके प्रकाश सगुण तो केवल शुद्ध सतोगुण का समाश्रय लेकर के ही लीला किया करता है, वहां पर रजोगुण और तमोगुण के लिए स्थान नहीं होता। यही तो उसकी महत्ता है, नहीं तो महत्ता क्या होगी, यही उसकी महत्ता है। जब हम कभी सगुण लीला का चिंतन करें तो देखेंगे उसमें कहीं भी हमें रजोगुण और तमोगुण का लेश नहीं मिलेगा, शुद्ध सतोगुण का प्रवाह चलेगा। जैसे एक उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं, जब तक आपकी आत्मा प्रसुप्त है, निराकार आत्मा है, और निराकार आत्मा के द्वारा आपके जीवन संचालित हो रहा है, तो जीवन में कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, कभी गुण आते हैं, कभी दोष आते हैं, कभी अच्छाई करते हो, कभी बुराई करते हो, यही होता है ना? कभी हंसते हो, कभी रोते हो, कभी किसी से प्रेम कर लिया, कभी किसी से बैर कर लिया, ये सारा द्वंद्व चलता है कि नहीं चलता, ये किसके नाते चलता है, ये निर्गुण आत्मा राम के नाते। लेकिन जब साधना करके आप उस निर्गुण आत्मा राम को सगुण आत्मा राम में परिणत कर देते हो, तो जैसे जैसे साधना करके आप निर्गुण आत्मा राम को सगुण आत्मा राम में परिणत करने लगते हो, वैसे वैसे आप में से दुर्गुण दूर चला जाता है, दुर्गुण दूर होने लगता है। और जब आप बिल्कुल, आपकी आत्मा बिल्कुल प्रकट हो जाती है, चैतन्य अवस्था आपके ग्रोस बॉडी तक, ग्रोस लेवल तक आकर के प्रकट हो जाए, फिर आप दुनिया की दृष्टि में भगवान हो जाते हैं, संत हो जाते हैं। और उस अवस्था में आप में दुर्गुण नहीं होता, केवल सद्गुण विद्यमान होता है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि उस अवस्था में पहुंचा हुआ संत धर्म में एक समाधि को प्राप्त होता है। धर्म में एक समाधि माने जैसे मेघ से केवल बारिश होती है, ऐसे उसके जीवन से केवल धर्म की वृष्टि होती है, वहां अधर्म नाम की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, वो धर्म में एक समाधि को प्राप्त हो जाता है। तो इसी रूप से वो सगुण राम है। जब तक निर्गुण राम है, आत्मा राम निर्गुण रूप में है, तब तक सब चल रहा है। इसीलिए तो सारी दुनिया में देख ले रहे हो आदमी क्या क्या नहीं करता। और जब उसमें आत्मा राम प्रकट हो जाए, सगुण हो जाए, उपासना से, साधना से, यही होता। तुलसीदास ने इस रथ का उद्घाटन किया प्रारंभ, कहा कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जही जुग निज वस निज भूते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। कहा ये किसी से पूछो, भगवान सब में व्याप्त है, भगवान घट घट में बसा हुआ है। कहा कौन भगवान, वही सच्चिदानंद। अरे कहा सच्चिदानंद उस भिखारी में भी बैठा हुआ है, उस रोगी में बैठा हुआ जो करार आ रहा तो दिन, बोले हाँ है तो। अरे कहा क्या पागलपन की बात करते हो, उस अज्ञानी महाज्ञानी में भी बैठा हुआ है सच्चिदानंद।
का है तो कहा सत के होते हुए वो मृत्यु से भयभीत क्यों है, चित्के होते हुए अज्ञान के समुद्र में क्यों डूब रहा है, आनंद के होते हुए क्यों करा रहा है वो। ये तो मैं नहीं कह सकता क्यों करा रहा, लेकिन है सच्चिदानंद है सब में। तुलसीदास जी कहते हैं इसलिए कि वहां वो निराकार रूप में, निराकार भगवान किसी काम का नहीं, बिल्कुल किसी काम का नहीं। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। उस निराकार भगवान के हृदय में रहते हुए भी सारा जगत दीन है और दुखी है और रो रहा है, चीख रहा है, रातों दिन हाय तो वह मचा रहा है। कहा फिर कैसे ये इन दुखों से छुटकारा कब मिलेगा। कहा ये निर्गुण ब्रह्म तुम्हें छुटकारा नहीं दिला सकता। कहा तो फिर, कहा जब नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगट तजी मिमोल रतन ते। नाम की साधना करके, नाम का सुमिरण करके, नाम का निरूपण करके, एनालिसिस करके, और नाम की साधना में जब तुम लग जाते हो तो वही निर्गुण ब्रह्म जो है वो सगुण होकर के तुम्हारे अंदर दिव्य सद्गुणों के रूप में प्रकट हो जाता है। और जहां निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में प्रकट हुआ तहां सारी दुनिया की हाय तो वह समाप्त। ये रोना धोना कब तक है, जब तक आत्मा राम का आविर्भाव नहीं हुआ। अव्यक्त तो है, कहा सर्वव्यापी अग्नि से तुम्हारी शीत दूर नहीं होती कि हो जाएगी। क्या रहा है, आपका शरीर परमाणुओं का संघात है ना, और प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है ना, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के सिवा और क्या है, तो तुम्हारा सारा शरीर इलेक्ट्रिसिटी से भरा हुआ है और फिर भी तुम शीत के मारे मरते रहते हो, ऊपर से एक नहीं दो नहीं चार चार दो। ये कैसा, और वही इलेक्ट्रिसिटी जब किसी माध्यम से तुम प्रकट कर लेते हो तो उसके छाया में उसके सानिध्य में बैठते ही सारा शीत खत्म, सारी सर्दी दूर। जो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे शरीर में व्याप्त है वही इलेक्ट्रिसिटी तो बाहर है, जो हीटर के रूप में तुम बैठकर देख रहे हो। परमाणु वही है उसमें कि दूसरे हैं, अंतर क्या है। अंतर यह है कि वहां आप प्रकट है, वहां प्रकट है, और तो कुछ नहीं अंतर है। यहां भी प्रकट किया जा सकता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैं 18,000 फुट की ऊंचाई हिमालय पर बिल्कुल नंगे रहा हूं, बिल्कुल नंगे। और उन दिनों न तो शीत लगती थी हमें और न तो कभी जूड़ी आती थी, तो जोर आता था भगवान भला कर। अब कहते हैं सर्दी गर्मी हो गई हो। ये आश्चर्य की बात है, 18,000 फुट की ऊंचाई पर चोटी पर हिमालय में रहा हूं, तब सर्दी नहीं और नंगे रहते थे, पांव भी नंगा, यही खड़ाऊ मेरे पांव में होती थी, चलते थे खड़ाऊ पर, और जहां कहीं बर्फ पर चलता था तो खड़ाऊ उतार करके, खड़ाऊ तो फिसलती थी बर्फ पर, तो नंगे पांव चलते थे आराम से। और वैसे एक मील दो दो मील चलना पड़ता था कभी कभी, आज कल्पना करो। तो कौन सी शक्ति थी जानते हो, उसको कहते योग की शक्ति। योग की ऐसी क्रियाएं थी जिनमें बैठ करके प्राणायाम की क्रियाएं थी, प्राण की, प्राण की क्रियाएं की, सारे शरीर के जितने सेल्स होते थे सब यानी हीटेड हो जाते थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आप हीटर में लगाते हो ना इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज कर दिया है, सारे उसके जितने क्या कहते हैं रोड्स होते हैं सारे लाल हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, गर्म हो जाते, उसी से आप गर्मी लेते हो और कुछ करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ भी प्रवेश कराई जा सकती है ना, तो एक अलग काम है। तो कहे आप क्यों नहीं करा लेते, आप कैसे करा लें, अब नहीं होता, वो उस समय की बात, होता अब भी है लेकिन वही काम करे तो उन दिनों हम ये काम नहीं करते थे जो ये कर रहे हैं, उन दिनों वही करते थे। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है और की बात नहीं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि वही तत्व है, अव्यक्त है तो निष्क्रिय है, और जब अभिव्यक्त हो गया तो सक्रिय हो गया। तो जो निराकार ब्रह्म है उसकी उपस्थिति में सारे दोष गुण सब चलते हैं, वो तीनों गुणों का अधिपति, तीनों गुणों का संचालक है। और साकार जब होता है तो बिल्कुल वो शुद्ध शतोगुण का अधिपति होता है, और दोनों गुण जो रजोगुण तमोगुण है सब उसके नीचे दब जाते हैं। इसीलिए बताया गया कि भगवान जो है समस्त सद्गुणों का समाश्रय है, और ब्रह्म जो है समस्त विरोधी गुणों का समाश्रय है।
इतना अंतर है। इसलिए निर्गुण की लीला जो है वो निर्मल बनाने वाली नहीं है। निर्गुण की लीला में सब चलता है भाई। भगवान ने एक ने कहा कि तुम्हारी गाय को शेर ने मार दिया, कहा गाय को शेर ने मारा, शेर को भगवान मारेगा, हम क्या करेंगे। ये तो निर्गुण उपासना की, लेकिन ऐसी बात नहीं, सगुण उपासना में नहीं चलता। सगुण उपासना में तो विशुद्ध सतोगुण का समाश्रय लेकर के परमात्मा जब प्रकट होता है तो उसकी वह निर्मल लीला समस्त जनमन को पावन बनाने वाली होती है, क्योंकि समस्त जनमन को सतोगुण से अभिभूत कर देती है। वहां सात्विक भाव प्रकट होने लगते हैं और देव भूता देव महजियत जो वेद का संदेश है उसके अनुसार मनुष्य उस सगुण स्वरूप का चिंतन करते करते स्वयं सगुण रूप में स्वयं को परिवर्तित कर देता है। ये उसकी महत्ता है। तो रामचरितमानस में यद्यपि निर्गुण और सगुण दोनों लीलाओं का वर्णन है, लेकिन विशेष रूप से तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे इस राम कथा में लीला सगुण जो कहो बखानी सो स्वच्छता करे मलहान। मनुष्य के मल को धोने वाली, मनुष्य के मन के मल को धोने वाली, मनुष्य के अंतःकरण को स्वच्छ बनाने वाली जो है वो निर्गुण की लीला नहीं है, सगुण की लीला है। तो रामायण में इसलिए सगुण लीला की महत्ता है। निर्गुण लीला की सत्ता को अस्वीकार नहीं किया गया, निर्गुण लीला की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी सगुण लीला की महत्ता को विशेष स्थान देकर के गोस्वामी जी ने उसका वर्णन किया है। वैसे अब समय बहुत हो गया, कल फिर मिलेंगे, चर्चा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ जैसे आप लोगों को पता है ना, अभी कल तो आपको पूरा सुनने को मिलेगा, परसों भी पूरा सुनने को मिलेगा। शुक्रवार को मुझे जाना है, 11 बजे रात मेरी फ्लाइट है शुक्रवार की। अब कल और परसों दो ही दिन है, तीसरा दिन तो शुक्रवार ही आएगा सर, ऐसे बुधवार के बाद शुक्र ही आता है मेरे विचार से। इससे उतना नहीं आ रहा, चलो ठीक है, अच्छा है। तो यदि आ गया इसलिए कह रहा हूँ कि राजू कह रहा कि